our YouTube channel and press the bell icon. मैं एमक्यू खान, आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज चैनल। आइए देखते हैं मुंबई से कुछ खास खबर। ये वर्ली नाका का जामरी मैदान है, जहां पर आज प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों में बिछाकर लुकमा CST ले जाया जा रहा है और वहाँ से इन्हें 7 बजे की ट्रेन से रवाना किया जाएगा पटना के लिए। मुंबई उपाध्यक्ष अबरार अहमद खान साहब के माध्यम से यहाँ पर कुछ लोगों को CST को पटना के लिए रवाना किया जाएगा अभी कुछ देर में, जो कि आप देख सकते हैं कि बस में किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में बिठाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे मौजूद हैं वर्ली पुलिस स्टेशन के नजरों के सामने माइग्रेंट लेबर लोग को यहाँ से रवाना कर रहे हैं, अपने साथ में बिठा रहे हैं। ये देखिए हमारे वर्ली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और हर पुलिस निरीक्षक हमारे ये सुखलाल बरपे साहब है, जो कि रात में भी रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं, इतने धूप में, ये दोपहर का कड़ा धूप है, दोपहर का 2, 3, 4, 5 बजे तक धूप रहती है, लेकिन ये साहब ने अपने नजरों के सामने सारे माइग्रेंट लेबर को दिखाइए, सारे माइग्रेंट लेबरों को दिखाइए कि ये कितने फसाद में ये बिहार रहने वाले लोग खड़े हैं यहाँ पर, सब लोग का सेवा के लिए हमारे साहब यहाँ पे खुद मौजूद है। और देखो अपने हाथों से किस तरह अपने हाथों से ये माइग्रेंट लेबर लोग को देखिए बिस तरीके का बॉर्डर बांट रहे हैं, आप खुद अपने नजरों से खुद देख सकते हैं। ये हमारे वर्ली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुखलाल बरपे साहब है, जो देखिए किस तरह से ये अपना प्रवासी मजदूरों का सेवा कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से बिस्तरी का बॉटल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितने आप करीब 500, 700, 800 लोग यहाँ मौजूद है, जो माइग्रेंट लेबर है, इनको यहाँ आज वर्ली पुलिस के माध्यम से इनको आज CST से पटना रवाना किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2200 लोग हैं, टोटल 2200 लोग हैं जिनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप लोग खुश है गाँव जा रहे तो खुश है लोग आगे बढ़े, मेरा जैसे देखिए इनके दिलों में खुशी, इनके मुंह पर जरा खुशी देखिए, इनका किस तरह से खुश होकर अपने गाँव जा रहे हैं। और ये हमारे अबरार अहमद उर्फ मज्जन खान साहब है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष है, इनसे जरा दो शब्द इससे ही बात कर लेते हैं। सर आप क्या बोलेंगे जरा? पब्लिक का तो खुशी आप देख ही रहे हो, लोग अपने गांव जा रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ में जा रहे हैं। तकरीबन पटना के लिए ट्रेन लगी है, हमारे वर्ली से पहली बार है पटना के लिए, और अभी कलकत्ता की लगने वाली है, लेकिन पहली बार लगी है, लेकिन 2200 लोगों का पहला जो है ये खेप जा रहा है। पूरे वर्ली के लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर हैं, वही लोग हैं, तो बड़े उत्साह के साथ मतलब जमा हुआ, और लगभग CST के लिए आधे लोग निकल चुके और आधे लोग अभी जाने की तैयारी। 2200 लोग मतलब एक ट्रेन में जाएंगे, दो ट्रेन में जाएंगे? यानी एक ट्रेन में इनका बंदोबस्त किया गया है, उधर CST पे 18 नंबर पे लगी हुई ट्रेन, और लगभग जो है आधे लोग जा चुके हैं और आधे लोग जो है अभी BST की बस जो है वो थोड़ा शॉर्ट होगी इसलिए रिटर्न आ रही है, फिर बाकी लोग भी जाने की तैयारी में है। अभी हम सुन रहे थे अबरार अहमद उर्फ मज्जन खान साहब को, आप साफ सुनेंगे किस तरह बताए कि आज 2200 लोगों को वर्ली विधानसभा क्षेत्र के 2200 लोगों को CST 2 पटना के लिए रवाना किया जाएगा, वो भी CST पे 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे वो ट्रेन लगेगी, जिस ट्रेन से उनको रवाना किया जाएगा। हम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष अबरार अहमद खान साहब हैं, मज्जन खान साहब जो प्रवासी मजदूर माइग्रेंट लेबर जो जा रहे हैं उन लोग को पानी बांटते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में।
ये देखिए प्रवासी मजदूरों किस तरह से उनको रास्ते के लिए खाना दिया जा रहा है। जो जाने वाले अभी LTT टू पटना, उन लोगों को किस तरह देख लीजिए आप, उन लोगों को खाने का पैकेट दिया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। आप देख रहे हो साफ, मुंबई पुलिस जिंदाबाद की नारा लोग लगा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे खड़े हैं, जहां पर कि आज वर्ली विधानसभा क्षेत्र से 2200 लोगों को सेंट्रल रीजन एक्सल कमिश्नर ऑफ धीरेज प्रभु और जोन 3 के DCP अविनाश कुमार, वर्ली डिवीजन के SCP सुधीर दानवेकर और वर्ली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI वर्के साहब के माध्यम से और अबरार अहमद मज्जन खान साहब के माध्यम से लोगों को भेजा जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं सब वर्ली विधानसभा के लोग हैं जो सीधा ये जा रहे हैं यहाँ से। इनकी ट्रेन अभी 7 बजे है, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 18 से छूटेगी और वो पटना तक जाएगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन से खड़ी है, किस तरह से देखिए आ रहे हैं सारे ये वर्ली विधानसभा के लोग हैं जो कि आ रहे हैं। देखिए ये और ये हमारे वर्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी लोग हैं जो कि इन लोगों को देखिए। अभी साहब हमारे जगदाले साहब है, इन्होंने बोल दिया एंड हो गए, हमारे वर्ली विधानसभा के जितने लोग थे एंड हो गए। अभी सब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर सब जा चुके हैं। अभी आइए यहाँ से हम जो देख सकते हैं, ये देखिए हम खड़े हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाद। अभी ये देख सकते हैं।